तो जी हमें नहीं पता था कि जो हम बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। आई मीन जो हमने लास्ट वीडियो में बोला विदाउट दिस साइकिल की, और मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का। मैं इस साइकिल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर कवर करके बताऊँगा, आगे आप देखना कभी। हमें नहीं पता था कि हम ये बोलेंगे और हमें नेक्स्ट डे हमारी ये वाली राइड सडनली हमारा प्लान बना मौसम को देखते हुए, क्योंकि कल बारिश हुई थी और सुबह हमको लगा कि थोड़ा मौसम अच्छा होगा। आज हम जा रहे हैं नटनी के बारा, और मैप हमें बताता है कि नटनी के बारा हमारे घर से तकरीबन 21 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आज की जो राइड है वो 45 किलोमीटर होने वाली है, आई मीन से ज़्यादा ही होने वाली है। हम अकेले नहीं है आज हमारे साथ कुणाल, जैसे आपने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी जो सिल्ली साइड गया था, मैं अकेले गया था, लेकिन आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं सिल्ली साइड तक, अपने घर से लगभग 7 किलोमीटर आगे आ गए हम। ये रोडवेज वाले ऐसे चलाते हैं, पूछो मत। ये गया मेरा दोस्त सुरसुराता हुआ बहुत हवा की स्पीड से। हम जा रहे हैं नटने का 12 और अभी 8 किलोमीटर बाकी है। ये मेरा दोस्त, लाइक करो शेयर करो। तो फिलहाल है नटनी का वारा भी 8 किलोमीटर है। कभी मौसम ऐसा हो रहा है धूप आ रही है, और कभी ऐसा मौसम हो रहा है बिल्कुल जो आप देख रहे हो पीछे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हमको नटनी के बारे आना था और अभी साइकिल लेके जाएंगे। दूर देख रहे हो एक इधर का मंदिर है, वो भी दिखाता हूँ, चलते हैं अभी। और मौसम ऐसा हो रहा है पूछो मत, एक नंबर मौसम हो रहा है मस्त। और ये पानी मस्त मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही है। कुणाल कैसा हो रहा है? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी धूप है मगर ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम मस्त लग रहा है। तो पहले यहाँ तक पानी आता था सीढ़ियों में, लोग नहाते भी थे, लेकिन अब तो पूरा एकदम सूख चुका है। दूर दूर तक ये सारी नदियाँ सूख चुकी है, वैसे ये छोटा सा भी सूख चुका है झील। तो अभी जो लेके आए वो खाते हैं, और हम बैठे अभी इधर नटनी के बारा। स्कूल के बाद आज पहली बार में साथ खा रहे हैं हम। हाँ, स्कूल में रोज साथ में खाया करते थे हम। सेकंड या थर्ड क्लास से साथ में है, मतलब बचपन के हम स्कूल में, जो मैंने वीडियो बनाई थी एपी स्कूल करके, तो हम उस स्कूल में पढ़े हैं साथ में। हमने सोचा कि जब हम नटनी के बारा आ गए हैं तो नटनी के बारा के पीछे क्या छोटी सी एक स्टोरी है उससे आपको रूबरू कराएं। तो हमने पंडित जी को पकड़ा और देखिए। तो अंकल बताएंगे, आप इधर रहते हो ना? हाँ। तो अंकल बताएंगे नटनी के बारा के बारे में कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है, आप बताओ कि कब कह रहे थे ना क्या रस्सा बांध के नटनी है ना जो इस फाड़ कर इस फाड़ के। हाँ, तेरा नीचे उतरी नहीं नाच नूच के। हाँ, रस्सा दोनी तपन रस्सा मांग के फाड़ के, फिर नीचे उतर के वह बच्चा अनुभव होते जी जन ऊपर देगी को वो कदम यहाँ उस पर सुख में गिर जाती। हाँ, तो मेरा लाल अनुभव कौन देता उस टाइम में खत्म। अच्छा, मतलब उसके सदमे से वो खत्म हुई थी। हाँ, गिर के खत्म नहीं हुई थी, गिर के नहीं हुई। अच्छा, सदमे से ऊपर देख के आए कि जब ये तार शेर ऊपर से है ना, हमें समझ तो अभी ये इस अत्री ऊपर से गिर जाती तो मेरे बच्चों को कौन संभालता वो बात। तो इसलिए इधर का जो नाम है नटनी का बारा इसलिए रखा गया है। हाँ, इस नटनी का बारा कहते हैं इसी वजह से। थैंक यू अंकल, धन्यवाद। तो अभी सब कुछ खा लिया है और अब हम जा रहे हैं घर।